नमस्कार, मैं हूं नीलम तिवारी। आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फिर एक बार भिवंडी में उड़ान पुल बना राजनीति का अखाड़ा। हम आपको लिए चलते हैं भिवंडी के कल्याण नाका स्थित नए बने हुए उड़ान पुल पर, जो कि कल्याण नाका से साई बाबा बाईपास तक जाता है। विशेष तौर पर हम आपको बता दें कि भिवंडी के भाजपा विधायक महेश चौगले व जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उड़ान पुल पर जाकर नारियल फोड़ व रिबिन काट कर अनौपचारिक तरीके से उद्घाटन किया गया। अनौपचारिक बोलने का कारण यह है कि उद्घाटन के वक्त न तो यहां शहर की महापौर और न ही किसी शासकीय अधिकारी की मौजूदगी दिखी। गौर करने वाली बात यह है कि दो दिन बाद ही इस उड़ान पुल का औपचारिक उद्घाटन महाराष्ट्र प्रदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा ऑनलाइन तरीके से होना निश्चित हुआ था, जहां पालक मंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित रहने वाले थे। भाजपा द्वारा की गई इस उद्घाटन में विधायक महेश चौगले, जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी, उपाध्यक्ष सुमित पाटिल, आरपीआई अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़, नगर सेवक श्यामजी अग्रवाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजू चौगले व सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। विधायक महेश चौगले ने लोगों की समस्याओं का हवाला देते हुए क्या कहा, देखिए शिवम झा की इस विशेष रिपोर्ट में। यह ऑफिशियल तो ओपनिंग कैसा है, मुख्यमंत्री सबको टाइम नहीं है, ऑनलाइन ओपनिंग करने को टाइम नहीं है, और ये ओपनिंग एक झूठी ओपनिंग है, क्योंकि 6 महीना पहले शिवसेना के आमदार, माजी आमदार ने इनकी ओपनिंग की थी और ये रोड चालू था। अभी उनको कोविड में कुछ काम किए नहीं, घर से बाहर निकले नहीं, और काम नहीं करने के बजाय अभी लोगों को क्या दिखाना है, तो ये पुराने काम दिखा के अपना श्रेय ले रहे। और जो नए काम हमने पास किए थे हमारे सरकार में, जो MMRDA के माध्यम से रोड भीड़ है उसको स्थगित दे के बैठे, यानी काम भी नहीं। और जो हमारा फंड अभी आता था जो आमदार निधि का, वो भी फंड लेके दे नहीं रहे, तो ये क्या काम हो रहा है? महाराष्ट्र का कुछ काम नहीं हो रहा। और इधर सिर्फ एक क्या बोलते हैं, आज भी ओपनिंग कर रहे महापालिका के माध्यम से, लेकिन ओपनिंग में आमदार के फोटो ही नहीं, खासदार के फोटो ही नहीं, तो ओपनिंग क्यों कर रहे हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? क्या हमने कुछ किया ही नहीं? तो ये झूठ तरीके का ये काम है, क्योंकि आज हमने इसके लिए ये ओपनिंग हो चुकी थी, लेकिन लोगों को परेशान करने का काम ये सरकार कर रही थी। इसके लिए आज हम पूरे भारतीय जनता पार्टी RPIA सब मिलके आज ये हमने फिर वो रोड चालू किया, ये हम जाहिर करते हैं। तो यही है ना, जिसने काम किया उनका फोटो नहीं है, और जो नहीं किया अभी अभी आए हैं अभी उनका फोटो डाल रहे हैं, तो यही क्या क्या दिखाना चाहते हैं? ये झूठा श्रेय क्यों लेते हैं? हम चाहते हैं कि तुम काम करो और तुम्हारा श्रेय तुम लो, हमारा किसका भारतीय किसका फोटो मत डालो या किसका ये मत करो, लेकिन पहले काम करो। कोई MMRDA कितनी जिम्मेदार है इसके लिए, जो ब्रिज बनाई है उन्होंने? अभी कैसा है MMRDA, क्या जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं? MMRDA ने काम किया है, ओपनिंग को टाइम देना चाहिए, कोई उसने मुख्यमंत्री जिसको लाना है उसने टाइम देना चाहिए, उसको सिर्फ आना तो नहीं है इधर, सिर्फ ऑनलाइन टाइम नहीं मिल रहा है, तो कितने बिजी है वो आपको मालूम है, और बिजी होके काम महाराष्ट्र की दुर्दशा क्या है आपको मालूम है, कोविड में कितने पेशेंट मरे हैं, कोविड में सबसे नंबर वन महाराष्ट्र है, तो कितना काम कर रहे हैं आप तो सब देख रहे हैं। नहीं, ओपनिंग तो पहले हो चुकी है, ओपनिंग तो पहले हो चुकी है, उसको खाली नाटक बंद करके फिर से नाटक करने का जो इनका जो तरीका था, और यहाँ के जो खासदार आमदार और हमारे देवेंद्र जी फडणवीस माजी मुख्यमंत्री, भिवंडी के इतिहास में पहली बार इतना रस्ते का काम उन्होंने दिया, वर्क ऑर्डर हुआ, बहुत को तो स्टे दिए यहाँ के मुख्यमंत्री ने, और जो वर्क ऑर्डर है उनको ध्यान नहीं दे रहे, यहाँ के खाता कभी पहले बोल रहे, यहाँ के आमदार बोल रहे उसको काम चालू करो, और जो चालू बीच को फुकट बंद किए, आज 3 दिन से सबको पैसा करके रख दिए, और कल फिर नाटक हो रहा है, तो ये नाटक चलेगा नहीं, और यहाँ पे हमारे खासदार आमदार का मान सम्मान होएगा नहीं, हमारे माजी मुख्यमंत्री अभी के देवेंद्र फडणवीस जो विधिमंत्री, इनका अगर सम्मान देगा नहीं तो भिवंडी में कोविड की वजह से हम लोग बहुत चीज बता बोल नहीं रहे, ठीक है किस तक, लेकिन इनका जो फालतू की चालू है अगर नहीं सुधरेगा तो हर जगह हम लोग ये नाटक करेंगे। अन्ना क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जाए भिवंडी शहर में जितने भी उड़ान पुल बनाए गए उसको लेकर हर बार राजनीति होती है, यहाँ पर भी वही चीजें देखने को मिल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, जनता के हित में या तो फिर राजनीतिक रूटी? देखो, ये जनता के हित में हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ राजनीति से करेगा वैसा उसको जवाब मिलेगा राजनीति से, अगर वो अच्छे काम से अच्छे से करेगा उसको अच्छा जवाब मिलेगा, अभी ये राजकीय हो रही है, चालू बीच को तुम बंद करो, नीचे काम चालू है, और जहाँ बोल रहे आपको काम चालू करो वर्क ऑर्डर हुआ है उसको तुम लोग काम नहीं करो, ये जो नाटक चालू है MMRDA के लोग हो या महापालिका के लोग, अगर ऐसी काम करेगा तो फिर हम बहुत से गलतियाँ है उसका हम हमारे तरीके से निकालेंगे, और ये जो भी किए पब्लिक के हित के लिए किए।
अच्छी ओपनिंग परत ओपनिंग करून किती वेळा करणार आणि घरी बसून मला सांगा ओपनिंग होते कशी काय ऑनलाईन ओपनिंग कशी काय करणार तू म्हणजे घरात रिपिंग कापणार का आपले जे मुख्यमंत्री आहेत त्यांनी म्हणजे घरात बसून रिपिंग कापणार आहेत का काय म्हणजे असं म्हणजे आम्हाला ऑनलाईन जी ओपनिंग तुम्ही बोलता त्याला आम्हाला एक उत्तर पाहिजे की तुम्ही कशी करणार इथे जी ओपनिंग झाली याच्यामध्ये युवा मोर्चाचा कशा प्रकारचे सहभाग होता आणि कशा प्रकारचे ते साजरे केले युवा एक गरम रक्त आहे आणि जास्तीत जास्त संख्येने आम्ही इकडे आलेलो आहे आणि याला आमचा सरकारला विरोध आहे की तुम्ही कोणाला न सांगता कशी काही ओपनिंग करू शकता जिकडे सर्व जबाबदार आहेत इकडे सर्वांनी मेहनत केलेली आहे या ब्रिजसाठी भिवंडीची जनतांनी काय अपील करणार भिवंडीच्या जनतेला आम्ही हीच अपील करणार की या ब्रिजमध्ये सर्वांचा मिळाव आहे आणि यांनी सगळ्यांनी मेहनत केलेली आहे तर ह्याचा श्रेय कोणा एकट्याला नको जायला लोकांनी आज यहां पर उद्घाटन किया एक साल पहले RPI BJP शिवसेना का युति था युति के माध्यम से सबको लोग गुमराह करके हमारे RPI के वोट लिए BJP के वोट लिए और लेने के बाद जब सत्ता की बात आई तो जाके राष्ट्रवादी कांग्रेस के जाके गोद में बैठे ये और बैठने के बाद हमको भूल जाएंगे ये जितना काम भिवंडी का हुआ है 70 साल में कोई नहीं किया होगा उतना देवेंद्र फडणवीस ने और खासदार कपिल पाटिल भाई चौगुल ने किया हुआ है जानता उसके अंदर थोड़ा बहुत हिस्सा अपने उपज माथरे का भी है लेकिन अभी 6 महीने तुम रंग दिखा रहे हो ये ब्रिज बन के 6 महीना हुआ अब तुम बात कर रहे हो कि रुपेश माथुर ने उद्घाटन किया था इसका नहीं किया था उस तरह टुकड़ा है उसका किया था ये जब बन के 3 महीना रेडी हो गया है ब्रिज काय के लिए बनाते हैं जनता के लिए बनाते हैं कि मुख्यमंत्री का राह देखने उद्घाटन बना तुम सत्यवार्ता की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूलें साथ ही